मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अखिलेश यादव के नाम लेकर अफसरों को दी धमकी। वहीं वीडियो वायरल होने पर हुआ एफआईआर दर्ज। यहां जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अफसरों के हिसाब किताब की धमकी दी। वहीं सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा कि अखिलेश यादव के नाम लेकर कहा कि ट्रांसफर से पहले अधिकारियों से हिसाब किताब होगा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी लॉ प्रशांत कुमार के ओर से कार्रवाई का आदेश दिया। अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर लिया है। वहीं वीडियो अब्बास कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। भाई जहाँ है यहीं रहेंगे, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद जाने की सर्टिफिकेट पर मोहर लगाया जाएगा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अंसारी के सामने आया कि जब घेरने के लिए भाजपा का एक और हथियार दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी मुख्तार अंसारी के करतूतों की याद दिलाकर सपा को घेरा था। वहीं बीजेपी लगातार चुनावी रैली में दावा कर रही कि सपा के सरकार आई तो फिर गुंडागर्दी होगी। वहीं नए सपा के नारे देने वाले अखिलेश यादव के लिए अब्बास की इस धमकी पर जवाब देना कठिन होगा। देखिए रिपोर्ट खास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मोहर लगाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया